प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। ये दिया हुआ है पहला सवाल, छठे का पहला सवाल दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, माना कि ए माइनस 2, इसको बी मान लेते हैं 1 0, और सी मान लेते हैं माइनस 1 2, और इसको डी मान लेते हैं -3 और 0। यह चतुर्भुज के बिंदु हैं। इस प्रकार से हमने मान लिया है कि ये चतुर्भुज के बिंदु हैं। हम सरल सवाल सरलता से हो सके इसलिए हम चतुर्भुज कोई भी प्रकार का बना लेंगे, जिससे जल्दी से जल्दी सवाल हो सके और भूल कम हो। इस प्रकार से बनाएंगे तो हमें सरलता मिलेगी। नमस्कार मित्रों, मैं गहिन सर, आपका हार्दिक स्वागत है। हम पहले ज्ञात करते हैं, सबसे पहले ए बी स्क्वायर ज्ञात करते हैं। सूत्र आपको मालूम ही है, x1 - x2 का होल स्क्वायर और y1 - y2 का होल स्क्वायर। आप देखेंगे कि इसको x1, ये x2, y1, y2 मान लेते हैं और अपने करते हैं। तो सबसे पहले हमने ए बी लिखा है, तो देख आगे कौन है, इधर -1, इधर आगे कौन है 1, तो हम इसको यहाँ पर लिखेंगे -1, और उधर ये माइनस का निशान, और यहाँ पर कितना आया 1 का होल स्क्वायर। अब y1 कितना है, तो y1 है -2 और y2 है 0, यहाँ लिख दिया। अब यहाँ देखते हैं -1 और -1, -2 और प्लस, -2 और 0, तो -2। 2 का वर्ग होता है +4, -2 का वर्ग होता है 4। इस तरह से ए बी बराबर आया हमारे पास, कितना आया, ए बी स्क्वायर बराबर 8 आया। ए बी यानी वर्गमूल में कितना हो जाएगा, 8। अगर आप वर्गमूल करना जानते हो तो कर सकते हो, जैसे कि 4 × 8 होता है, तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाता है, 2। तो 4 का वर्गमूल 2, 2 वर्गमूल में 2, इस प्रकार से कर सकते हैं। लेकिन अपने आप इतना ही लेके रन देते हैं, कोई महत्व तो नहीं है। आगे हम ज्ञात करते हैं, तो हमारा ये ए बी बराबर आया 8। आप परिणाम नंबर दे सकते हो, नहीं भी दोगे तो भी चलेगा। अब हम ज्ञात करते हैं बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर देखते हैं। तो बी सी यानी यहाँ से देखोगे ध्यान से, तो ए 1 - ये आगे आ गया, इसके आगे कौन है, माइनस का 1, तो ये भी माइनस है, तो क्या हो जाएगा, प्लस। इसी प्रकार से हम करते हैं, पीछे है 0, उसके पीछे यानी वाई वाला है 2, -2, 1 और 1 हो जाता है 2, और 2 में से 0 घटाते हैं तो -2, 2 का वर्ग होता है 4, और -2 का वर्ग भी होता है 4, कितना हो जाता है 8। तो बी सी बराबर वर्गमूल में 8 आ जाता है। इस तरह से यह परिणाम नंबर 2 हो गया, या बी सी बराबर आ गया। पहली भुजा हो गई है, दूसरी हो गई है, तीसरी भुजा का नाम क्या है, सी डी। तो देखते हैं सी डी स्क्वायर, सी डी बराबर देखते हैं सी डी स्क्वायर कितना आता है। तो -1 - कितना लेना है, -3, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्लस। इसी प्रकार से 2 - 0 यानी 2 - 0, तो ये भी हो गया हमारा। अब देखते हैं 3 में से अलग अलग निशान है, तो क्या करते हैं, घटाते हैं, 3 में से 1 गया तो 2 बचा, और 2 में से 0 घटाते हैं तो भी 2। अब यहाँ पर लिखते हैं 2 का वर्ग होता है 4, 2 का वर्ग होता है 4, कितना हो जाता है 8, यानी सी डी स्क्वायर बराबर भी 8 आया। तो सी डी बराबर कितना आएगा, तो सी डी बराबर 8 का वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए वर्गमूल में 8 लिख देते हैं। इसी प्रकार से हम अब ज्ञात करते हैं, तीसरी भुजा भी हो गई, चौथी भुजा ज्ञात करते हैं। तो चौथी भुजा है ए डी, ए डी स्क्वायर -1, इधर से आगे वाला है माइनस, ये भी माइनस है तो प्लस। इसी प्रकार से पीछे वाली संख्या है -2, इसके पीछे वाली संख्या है 0, इस प्रकार से कर दिया। आगे हम करते हैं, 3 में से 1 गया तो 2 बचा, इसी प्रकार से यहाँ कितना होगा, तो यहाँ -2 होगा,
हम यहाँ लिखते हैं ए डी स्क्वायर बराबर 2 का वर्ग 4 माइनस 2 का वर्ग भी प्लस 4 होता है, 4 और 4 8, यानी कि ए डी बराबर वर्गमूल में 8। इस प्रकार से ए डी भी आया। अब हम विकर्ण ज्ञात करते हैं, विकर्ण ज्ञात करते हैं तो विकर्ण का नाम क्या हो गया, ए सी। तो ए सी स्क्वायर बराबर, तो यहाँ देखते हैं माइनस एक घटाते हैं तो ये भी माइनस का है, तो क्या हो जाएगा प्लस स्क्वायर। इसका करते हैं -2 और -2, इस प्रकार से एक में से एक गया तो 0, और -2 -2 -4। इसी प्रकार से हम लिखते हैं 0 का 0, 4 का वर्ग 16 बराबर 16, ए सी स्क्वायर 16। तो ए सी का वर्गमूल, अब इसका 16 का वर्गमूल करते हैं तो कितना होता है, 4 होता है। इस प्रकार से ए सी बराबर भी 4 आया। अब हम करते हैं दूसरी विकर्ण का नाम है बी डी। तो बी डी स्क्वायर ज्ञात करते हैं, बी डी स्क्वायर बराबर 1, इधर से आगे वाला है माइनस, तो ये भी माइनस, तो क्या हो जाएगा प्लस। इसी प्रकार से पीछे वाली संख्या 0, इधर पीछे वाली संख्या 0, कितना हो जाता है 3 और 1 4, और इधर 0। यहाँ लिखते हैं 4 का वर्ग 16 और 0 का 0, टोटल कितना हुआ 16। तो यानी बी डी बराबर, यानी वर्गमूल करते हैं तो कितना आता है 4। इस प्रकार ए बी बराबर बी सी आया है। देखेंगे क्या ये सब ए बी बराबर भी वर्गमूल 8, बी सी बराबर भी वर्गमूल 8, और सी डी बराबर भी वर्गमूल 8 होता है, ए डी बराबर भी वर्गमूल 8 होता है, चारों भुजाएं समान हैं। तो चारों भुजाओं को लिखेंगे ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, चारों भुजाएं समान हैं। और विकर्ण ए सी बराबर बी डी होने से बिंदु, जो बिंदु लिखे थे वही लिख देते हैं, जैसे कि -1 -2 1 0 -3 और 0, एक वर्ग बनाते हैं। कौन सा चतुर्भुज बनाते हैं, तो वर्ग चतुर्भुज है, यानी कि मुख्य प्रकार चतुर्भुज के एक समबाहु, तो दूसरा है वर्ग। अगर सिर्फ चारों भुजाएं समान हो और विकर्ण समान नहीं हो तो उसको हम समबाहु चतुर्भुज कहते हैं, अगर विकर्ण भी समान हो तो वर्ग हो जाता है। इसी प्रकार से दो आमने सामने की भुजाएं समान हो तो वो समांतर चतुर्भुज हो जाता है। अगर और आगे करते हैं और विकर्ण भी समान होती है तो आयत हो सकता है। इस तरह से हम आगे करते हैं तो इस प्रकार का चतुर्भुज को क्या कहेंगे, वर्ग कहते हैं। अब दूसरा सवाल देखते हैं, तो दूसरे सवाल के बिंदु ये दिए गए हैं, तो हमने मान लिया कि ये 4 बिंदु हैं तो ये चतुर्भुज के बिंदु हैं, ऐसे हम मान लेना है। जैसे समय बचे इसलिए मैंने पहले लिखा हुआ है और चतुर्भुज भी पहले बना के रखा है। आप देखें चतुर्भुज बनाने से क्या सवाल थोड़ा जल्दी हो जाता है और गलती होने की संभावना कम रह जाती है। आप देखें अब 4 बिंदु हैं ए बी सी डी, कोई भी प्रकार का चतुर्भुज बना लेने का, सिर्फ सरलता के लिए सवाल हल करने के लिए। अब हम यहाँ पर करते हैं सबसे पहले, तो हम सबसे पहले पहली भुजा ज्ञात करते हैं जिसका नाम क्या है ए बी। ए बी ज्ञात करते हैं तो ए बी स्क्वायर बराबर कितना होता है, तो सूत्र तो आपको मालूम है x1 - x2 का होल स्क्वायर y1 - y2 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से करते हैं तो सबसे पहले देखें कि आगे वाली संख्या x होती है और पीछे वाली संख्या y होती है, तो हम पहले लिखते हैं -3 और इधर से माइनस का निशान है तो -3। इसी प्रकार से y1 कितना है, तो यहाँ पर देखेंगे 5, पीछे वाली संख्या हम घटाई, इधर से पीछे वाली संख्या घटाते हैं, यहाँ पर देखें तो कितना होता है, तो 3 और -3 हो जाता है -6। और इसी प्रकार से इधर करते हैं तो 4 5 में से 1 घटाते हैं तो कितना बचता है 4, 4 का वर्ग होता है 16
और इसी प्रकार से 6 का वर्ग होता है 36। टोटल मारते हैं तो कितना होता है, 6 और 6 12, 12 की 2 हासिल 1, 3 और 1 4 और 1 हासिल 5, 52 आया। ए बी स्क्वायर बराबर 52 आया है। ए बी बराबर 52 का वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए 52 वर्गमूल में लिख देते हैं। आप इसका गुणनखंड करके 13 चौक 52 भी कर सकते हो, 4 का वर्गमूल हुआ 2 और 13 का नहीं होता है, इस प्रकार को इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, बराबर। अब हम यहाँ पर लिखते हैं दूसरा क्या ज्ञात करेंगे, बी सी, कौन सी भुजा बी सी। तो आगे वाली संख्या में से आगे वाली संख्या घटाते हैं, डायरेक्ट करते हैं, 3 में से 0 घटाया, इसी प्रकार से पीछे वाली संख्या में से पीछे वाली संख्या घटा देते हैं, तो ये हो गया। अब हम यहाँ पर देखते हैं कितना आता है, यहाँ पर 3 और यहाँ पर कितना आता है, माइनस का 3, माइनस 3 में से एक गया तो माइनस का 2। यहाँ पर देखते हैं 3 का वर्ग होता है 9 और माइनस 2 का वर्ग होता है 4, कितना आया 13। तो हम यहाँ पर ज्ञात करते हैं बी सी बराबर कितना होगा, तो वर्ग मूल में 13 करेंगे। तीसरी भुजा है सी डी, तो सी डी स्क्वायर बराबर इसी प्रकार से आगे वाली संख्या में से आगे वाली संख्या घटा देते हैं, तो 0 में से माइनस 0, ये भी माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 1 की 2 घात। इसी प्रकार से 3 में से माइनस 4 करते हैं, तो यानी ये भी माइनस और ये निशान भी माइनस, तो क्या हो जाएगा प्लस। अब देखें आगे, 1 और 0 1 हो जाता है, 3 और 4 7 हो जाता है। इसी प्रकार से आगे करते हैं, 1 का वर्ग 1 होता है, 4 7 का वर्ग 49 होता है, बराबर कितना हो जाता है 50। तो सी डी बराबर वर्गमूल में 50 हो जाता है। अब हम ज्ञात करते हैं चौथी भुजा का नाम ए डी, तो ए डी बराबर कितना, तो ए डी स्क्वायर आगे वाली संख्या में से आगे वाली संख्या, माइनस 3 में से माइनस 1 करते तो यहाँ पर प्लस हो जाता है, तो इस प्रकार से ये कर दिया। पीछे वाली संख्या इधर 5 है, इधर पीछे वाली संख्या माइनस की 4 है, तो यहाँ पर प्लस हो जाती है, बराबर माइनस 3 में से 1 गया तो माइनस का 2 बचा, और 5 और 4 होता है 9, 2 का वर्ग 4, 9 का वर्ग 81। तो ए डी बराबर ए डी स्क्वायर बराबर कितना आया 85। तो ए डी बराबर कितना होगा वर्गमूल में 85। अब हम देखते हैं ए बी बराबर वर्गमूल में 52, बी सी बराबर वर्गमूल में 13, सी डी बराबर वर्गमूल में 50 और ए डी बराबर वर्गमूल में 85 है। तो ये इस प्रकार से किसी चतुर्भुज का हिस्सा नहीं बनता है, तो किसी भी प्रकार का चतुर्भुज का हिस्सा नहीं बनता। मुख्य चतुर्भुजों में से जो 4 चतुर्भुज मैंने बताया, समबाहु, समांतर बाहु, यानी समबाहु का मतलब सम चतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज, वर्ग और आयत, ये मुख्य प्रकार के 4 चतुर्भुज हैं, उन चतुर्भुजों में से किसी भी प्रकार का ये बनता नहीं है। इसलिए हम लिखेंगे बिंदु जो लिखे हैं, क्या लिखा है, माइनस 3 5 कॉमा 3 1 0 3 और माइनस 1 माइनस 4 किसी भी प्रकार के चतुर्भुज किसी भी प्रकार के मुख्य चतुर्भुज नहीं बनाते। प्रश्न नंबर 3 लिखा हुआ है, मान लिया हमने ए बी सी डी ये चतुर्भुज के बिंदु हैं, चतुर्भुज बना दिया है अंदाज से किसी भी प्रकार से, और हमने यहाँ पर बिंदु लिख दिए हैं जिससे जल्दी हो जाए। अब हम ज्ञात करते हैं ए बी स्क्वायर पहली भुजा ज्ञात करते हैं, तो सूत्र हमने बहुत बार उपयोग कर लिया है। अब हम डायरेक्ट करते हैं, जैसे कि 4 में से 7 घटा देते हैं, यानी कि क्या है एक्स वन माइनस एक्स टू, यानी पहली संख्या है, ऐसे ही पीछे वाले में से पीछे वाला घटा देते हैं, यानी कि 5 में से 6 घटा देते हैं। यहाँ पर देखो माइनस 7 में से 4 गया तो कितना बचता है माइनस का 3, और इसी प्रकार से माइनस 6 में से 5 गया तो माइनस का 1 हो जाता है। आप देखें माइनस 3 का वर्ग होता है 9, 1 का वर्ग 1 हो जाता है, टोटल 10 हो जाता है, ए बी स्क्वायर 10। तो ए बी बराबर कितना, तो वर्गमूल में
10 हो जाता है। इसी प्रकार से हम दूसरी भुजा का नाम है BC, तो BC ज्ञात करते हैं। BC स्क्वायर बराबर आगे वाली संख्या में से आगे वाली संख्या घटा देते हैं, 7 में से 4 घटा देते हैं। इसी प्रकार से पीछे वाली संख्या में से पीछे वाली संख्या घटा देते हैं। अब देखेंगे तो 7 में से 4 गया तो कितना बचा, 3। इसी 6 में से 3 गया तो भी यहाँ भी 3। तो देखें 3 का वर्ग होता है 9, 3 का वर्ग होता है 9, टोटल मारते हैं तो कितना हो जाता है 18। यानी BC बराबर कितना हो जाता है, तो वर्गमूल में 18 लिख देते हैं। इस तरह से BC आ गया। अब हम ज्ञात करते हैं अब हम ज्ञात करते हैं तीसरी भुजा का नाम CD है, तो यहाँ लिखते हैं CD स्क्वायर। तो यानी कि आगे वाली संख्या में से आगे वाली संख्या यानी 4 में से 1 घटाते हैं, इसी प्रकार से 3 में से 2 घटाते हैं, ओके। माइनस 4 में से 1 गया, वो 4 में से 1 गया तो कितना बचा, 3। यहाँ 3 में से 2 गया तो बचा 1। यहाँ पर देखो तो 3 का वर्ग 9, 1 का वर्ग हो जाता है 1, टोटल हो जाता है कितना, 10। तो CD बराबर वर्गमूल में कितना हो जाता है, 10। अब हम ज्ञात करते हैं चौथी भुजा का नाम है AD, तो AD स्क्वायर बराबर आगे वाली संख्या में से आगे वाली यानी 4 में से 1 घटाते हैं, पीछे वाली संख्या में से पीछे वाली संख्या घटा देते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो 4 में से 1 गया तो 3, इस तरह से 5 में से 2 घटाते हैं तो कितना हो जाता है, 3। यहाँ पर देखेंगे 3 का वर्ग होता है 9, 3 का वर्ग होता है 9, टोटल हो जाता है 18। तो AD बराबर हो जाता है वर्गमूल में 18। इस प्रकार से AD बराबर भी आ गया। अब हम देखते हैं विकर्ण, तो विकर्ण की यहाँ पर देख लेते हैं। पहले उससे पहले देख लेने का है कि क्या हो रहा है यहाँ पर। तो यानी कि यहाँ AB बराबर ये है CD, BC बराबर ये है CD, यानी कि AB और CD होता है, BC और AD समान हो रहे हैं, यानी आमने सामने की भुजाएं समान हो रहे हैं। तो क्या हम देखते हैं आगे करना है तो समांतर बाहु चतुर्भुज हो जाता है। क्या ये आयत है, तो आयत में क्या होगा कि दोनों विकर्ण समान होती हैं या नहीं है, तो विकर्ण भी चेक कर लेते हैं। तो विकर्ण का पहला विकर्ण है AC स्क्वायर। तो हम देखते हैं आगे वाली संख्या है 4 माइनस का 4, ऐसे ही 5 माइनस 3, 4 में से 4 गया तो 0 और इसमें से ये गया 3 गया 5 में से तो 2। तो यहाँ पर 2 का वर्ग हो जाता 0 का वर्ग 0 और 2 का वर्ग होता है 4, टोटल हो जाता है 4। क्या 4 का वर्गमूल होता है, बोले हाँ 2। तो AC बराबर 2 आया। BD बराबर ज्ञात करते हैं, तो BD बराबर दूसरी विकर्ण का नाम BD है। तो यहाँ पर देखें तो 7 आगे वाली संख्या में से आगे वाली संख्या घटा देते हैं, इस प्रकार से पीछे वाली संख्या में से पीछे वाली संख्या घटाते हैं। देखोगे तो कितना बचता है, यहाँ पर 7 में से 1 गया तो 6 बचा और 6 में से 2 गया तो 4 बचा। तो BD स्क्वायर बराबर कितना आ जाता है, तो 6 का वर्ग 36, 4 का वर्ग 16, टोटल मारते हैं तो 6 6 12, हाँ चलिए 1 3 और 1 4 और 1 5 52 हुआ। तो BD बराबर कितना आया, 52, वर्गमूल में 52। तो देखते हैं BD और AC समान तो है नहीं, तो इसलिए लिखेंगे यहाँ पर इस प्रकार AB बराबर क्या आया है, तो AB बराबर CD आया है, यानी कि AB और CD की कीमत समान है। इसी प्रकार से और BC की और AD की कीमत समान है और BC बराबर दूसरी भुजा AD तथा अब विकर्ण देखते हैं, तो विकर्ण का नाम है AC, दूसरी विकर्ण का नाम है BD बराबर नहीं। आमने सामने की भुजाएं समान हो रही हैं लेकिन विकर्ण समान नहीं हो रही हैं। लिखेंगे तो बिंदु कौन कौन से हैं, तो पहला है 4 5, दूसरा बिंदु है 7 6, तीसरा बिंदु है 4 3 और चौथा बिंदु है 1 2। यह है समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। इस प्रकार से सवाल पूरा होता है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।